लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भाजपा की नज़र बिहार पर है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी तेज़ कर दी है और इसमें अपने साथ नए साथियों को जोड़कर बिहार की राजनीति में जातीय वोट बैंक को अपने पाले में लाने की तैयारी में लग गई है। नतीजा है कि भाजपा ने 18 जुलाई की NDA की दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार से जिस प्रमुख नेता को शामिल कराने की सबसे बड़ी तैयारी की है वह चिराग पासवान। वही चिराग जिनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा दो फाड़ हो गई थी, तो चिराग के चाचा पशुपति पारस को तब भाजपा ने तरजीह देकर केंद्र में मंत्री बना दिया था। हालांकि अब बिहार में बदले राजनीतिक हालातों में चिराग ने साबित किया है कि उनके साथ पासवान समुदाय का बड़ा वोट बैंक है। यह मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिला था, जब बिना NDA में रहे ही चिराग को भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने उतारा था। साथ ही कई मौके आए जब साबित हुआ कि पशुपति पारस के मुकाबले पासवान बिरादरी में चिराग की लोकप्रियता ज्यादा है। भाजपा ने अब उसी को भापते हुए चिराग पासवान को हर हाल में NDA में शामिल करने के लिए बड़ा प्रयास किया है। इसका अंदाजा इससे लगता है कि चिराग से पिछले एक सप्ताह में दो बार केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की है। दरअसल चिराग पर भाजपा की मेहरबानी का मूल कारण बिहार में पासवान वोटों की अच्छी खासी तादाद है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में लगभग 16% दलित वोटर्स हैं। इनमें लगभग 6% पर पासवान वोटों चिराग पासवान का अधिकार माना जाता है। किसी एक पार्टी के साथ 6% वोटों का जुड़ाव होना ही चिराग की राजनीतिक ताकत को दर्शाता है। अनुमान के तौर पर राज्य के हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40 से 50 हज़ार दलित मतदाता हैं जो जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दलितों में सर्वाधिक संख्या रविदास, मुसहर और पासवान जाति की है। माना गया कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा के 6 सीटों पर जीतने में कामयाबी मिलने का एक बड़ा कारण उसका NDA में रहना और पासवान वोटों का 100% लोजपा का साथ देना रहा। ऐसे में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार को जोरदार टक्कर देने के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति में चिराग पासवान को सबसे मुफ्त चेहरा माना है। चिराग के बहाने भाजपा के साथ 6% वोटों का जुड़ाव भी हो जाएगा। यह वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी साबित हुआ था, जब चिराग ने सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को पहुंचाया था। भले चिराग की पार्टी को सिर्फ एक सीट पर कामयाबी मिली, बाद में लोजपा विधायक ने जदयू का दामन थाम लिया था, लेकिन उन्होंने जदयू को मात्र 43 सीटों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। चिराग की इस राजनीतिक ताकत को देखते हुए अब भाजपा ने हर हाल में चिराग को 18 जुलाई की NDA की बैठक में शामिल करने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि चिराग ने इसके लिए भाजपा के सामने कुछ शर्त भी रखा है जो भाजपा मान सकती है। चिराग पासवान को NDA में आने के पहले उनकी शर्तों पर विचार करने का मुद्दा प्रमुख है। इसमें चिराग को केंद्र में मंत्री बनाने सहित चाचा पशुपति पारस से चल रहा उनका राजनीतिक विवाद को पाटने की कोशिश और लोकसभा चुनाव 2019 में चिराग की पार्टी को बिहार में अधिकाधिक सीट देने की बातें शामिल बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि चिराग की शर्तों पर भाजपा ने सहमति जताई है, जिसके बाद JP नड्डा की ओर से उन्हें चिट्ठी लिखी गई है और 18 जुलाई की बैठक में बुलाया गया है। इससे भाजपा को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है और 6% वोटों का लाभ भी मिल सकता है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।